हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग वीडियो। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, इधर मैं आई हुई हूँ छत के ऊपर, तो मुझे इधर थोड़ा सा सामान संभालना है, सही तरीके से सेट करके रखना है। तो आप देख सकते हैं, तो एक बार छत का मैं हाल सुधार लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, है ना, इधर मैं सुबह ही अपना काम करके गई थी एकदम बढ़िया तरीके से, बट ना इधर से खुला हुआ है ना, तो इसलिए इधर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, इधर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आगे इकट्ठी हो जाती है। और आप देख भी सकते हैं बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, तो इसको मुझे एक बार ना इधर झाड़ के मैं रख देती हूँ, क्योंकि अगर ये शाम का टाइम है, लगभग अभी बज रहे हैं 3 बज रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं 3 बज रहे हैं, धूप नहीं है। तो फ्रेंड्स, ना इन दिनों मौसम ऐसा ही हो जाता है, तो क्योंकि ना आंधी पानी वाला मौसम होता है ना, तो इन दिनों ऐसा ही हो जाता है, कभी तो धूप होती है तो कभी नहीं होती है। तो अभी ये ना बादल हुए हैं और हवा भी चल रही है, आप देख सकते हैं। तो इधर थोड़ी सी बूंदें आई थी, यानी कि थोड़ी सी बूंदें बारिश की हुई पड़ी थी, तो मैं इधर इसको लेंटर को ढक के गई थी, जाल है ना, इधर इसको ढक के गई थी पॉलीथीन से। तो आप देख सकते हैं पॉलीथीन मैंने बिछाई हुई है, बट ना थोड़ी सी बूंदें पड़ के फिर इस तरीके से हवा चलने लगी थी। तो आप कहिए कि हवा तो क्या है, काम मतलब कि बढ़ जाता है। तो ये खुला है, इसके कारण से इधर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी कचरा सारा कुछ ना इसी के अंदर आके भर के इकट्ठा हो रहा है, टीन के अंदर आप कचरा देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इसको एक बार मैं निकाले दे रही हूँ, इस कचरे को साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि ऐसे ही डला रहे तो फ्रेंड्स अच्छा नहीं लगता है, साफ़ हो जाए तो सही रहता है। तो इसीलिए मैं छत के ऊपर आ गई थी, मैंने कहा कि पहले मैं इधर इसको झाड़ बटोर के इसको साफ़ कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, है ना, एक बार मैं सुबह को मैं इसको साफ़ कर गई थी, कभी कभी तो ना पता नहीं कितने बार इसको साफ़ करना पड़ जाता है, कितनी बार झाड़ना पड़ जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसी मजबूरी हो जाती है ना कि अगर ना ऐसा गंदा भी तो नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल साफ़ करके रखना भी ज़रूरी होता है। और मजबूरी ऐसी है, अगर आंधी पानी आ जाता है बार बार और इधर ये बार बार गंदा हो जाता है, तो इसको साफ़ भी करना होता है। तो आप खुद देख सकते हैं कितनी जोर की हवा चल रही है। तो ये मैं जैसे ही झाड़ रही थी ज़मीन में, तो ये सारे की सारी ना धूल मिट्टी उड़ रही थी। तो मैंने तो ना कुछ दिन मतलब कि परसों ही सर को धुला था, तो आज मैंने सर नहीं धुला है और मिट्टी में हुआ जा रहा है। तो गर्मियों का टाइम है, अगर थोड़ी सी भी धूल मिट्टी अगर सर में चली जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा ना एकदम से ऐसा लगता है जैसे कि गमोरियाँ हो गई हैं, और एकदम से ना पसीने के कारण ना मैल मिट्टी के कारण सर में बहुत ज़्यादा खुजली मचने लग जाती है ना। तो इसलिए मैंने अपने सर को ना कवर कर लिया है, ताकि ना धूल मिट्टी ना जाए, और इसीलिए मैं इसको झाड़ रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ, और सर को भी मैंने ढक लिया है। तो फ्रेंड्स, ना ये कचरा जो मैंने इधर झाड़ के इकट्ठा किया ना, जब मैं इसको इकट्ठा कर दिया है मैंने, तो हुआ क्या था, जैसे हवा चल रही थी तो सारा बार बार अंदर की तरफ आ रहा था। तो इसीलिए मैंने पलंग को इस तरीके से लगा गई थी, ताकि कूलर वूलर खड़ा हुआ है उधर चार पे डली हो, इसके ना नीचे आके इकट्ठा ना हो, इसलिए मैं इधर पलंग को इकट्ठा कर गई थी। नीम के पत्ते उड़ उड़ के वापस से मेज़ के नीचे इधर आके इकट्ठे हो गए थे। तो एक बार इस पलंग को मैं सही करती हूँ, और उस जो झाड़ू लगाई थी उस टाइम जो कचरा था, उसको मैंने उस झाड़ू के नीचे दबा दिया है, क्योंकि जैसे ही मैं भरने लगी थी, हवा चल रही थी, वो पूरा कचरा इधर को उधर उड़ रहा था। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मैं तो झाड़ने के बाद थोड़ा सा मैं बैठ गई थी, और फिर मैंने कहा कि चलिए अब मैं अपना मुंह हाथ को धुल लेती हूँ। तो इधर मैं टंकी में जैसे ही मैं धुलने लगी थी, टंकी का पानी इतना ज़्यादा गर्म था, बहुत ज़्यादा गर्म। तो अभी ना बज रहे हैं 3:30 बज रहे हैं, दोपहर के 3:30 बज रहे हैं। ये टंकी का पानी इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है इन दिनों कि बिल्कुल भी हाथ देने को मन नहीं करता, इतना गर्म पानी था कि मैं तो बिल्कुल भी अपने मुँह को नहीं जाता इससे धुल पाई।
क्योंकि गर्मी इतना ज़्यादा था पानी, तो आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए पूरा मौसम है ना मिट्टी धूल मिट्टी से हो रखा है। ये देखिए कितनी धूल मिट्टी उड़ रही है, आप खुद देख लीजिए। तो इधर भी है ना, देखिए कितना एकदम से ना इतनी जोर का हवा का झोंका आया है जो धूल मिट्टी साथ में लेकर आया है। तो आप खुद देखिए किस तरीके से धूल मिट्टी इधर आके इकट्ठी हो गई है। तो एक बार मैं इसको कवर कर देती हूँ ताकि ना इसके अंदर फिर से ना धूल मिट्टी ना जाए। और मैं जाऊँगी अब किचन में या फिर रूम में देखूँगी जाकर। तो मैंने अभी इसको बांध दिया है और फिर देखती हूँ मैं। तो इधर मैं अभी बर्तनों को साफ़ कर लूँ, हवा के कारण बर्तन भी इधर के उधर उड़ रहे हैं, गिलास भी आप देख सकते हैं लुटते हुए इधर के उधर हो रहे हैं। अभी मैंने गेट को लगाया हुआ है ताकि रूम के अंदर और किचन के अंदर धूल मिट्टी ना जाए, तो इसलिए मैंने अभी गेट को लगा दिया है। तो अभी कर लेती हूँ इन बर्तनों को साफ, फिर जाऊँगी छत के ऊपर देख कर आऊँगी कि जो मैं चादर डाल के आई हूँ वो वहीं पर है या फिर उड़ गया है। उसको बांध के रखना पड़ता है, अगर बांधूंगी नहीं ना तो वो हवा में उड़ के पता नहीं कहाँ पर चला जाए। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग की यहीं पे करती हूँ एंडिंग। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो प्लीज़ ना लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।